राज्यसभा टी वी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जानीमानी अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक कोंकणा सेन शर्मा कोंकणा सेन शर्मा जानीमानी अदाकारा और फिल्म निर्देशक कोंकना सेन शर्मा को कला की समझ विरासत में मिली है कोंकना के नाना चिदानंद गुप्ता कोलकाता फिल्म के फाउंडिंग मेंबर थे और उनकी मां अपर्णा सेन बंगला सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है जिनके जरिए कोंकना ने अभिनय और कला की बारीकियां बखूबी समझी हैं मेरा घर है सिर तुमने आकर इसे कबार खाना बना दिया है मैंने तुम्हारे लिए कोलकाता में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कौनकना सेन शर्मा दिल्ली आ गई थी और यहाँ उन्होंने सेंट स्टीफन से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की अपने फिल्म करियर के शुरुआती दौर में ही कौनकना सेन ने शुभ्रत सेन और ऋतुपर्ण घोष जैसे निर्देशकों की फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अभिनेत्री का नमूना पेश किया

इसके बाद शर्मा ने बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में बैक टू बैक कई फिल्में की 2005 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म पेज थ्री उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म साबित हुई 2006 में आई फिल्म ओमकारा में निभाए इंदु त्यागी के लिए फिर एक बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया हम अपने घर नाते सब कर, आप के संसार में नंगे हाँ अग्नि से भी निकल जावे ना तो भी सगे नहीं ठगे ही कहलावे अपने फिल्मी करियर में कौनकना सेन शर्मा ने लगभग 45 फिल्मों में अपने अभिनय के कई शेड्स पेश किए हैं और दर्शकों को जीवन के कई पक्षों से परिचित कराया है उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं एक जे अच्छे कन्या मिस्टर एंड मिसेज अय्यर तितली पेज थ्री ओमकारा 15 पार्क एवन्यू दो सर लाइफ इन मेट्रो लक बाई चांस वेकअप सेट गोयनार बॉक्सो कादंबरी तलवार और लिपस्टिक अंडर माय बोर्का जी ये बाहर मिली आपके तो नहीं है नहीं नहीं मैं तो असली सोने की पहनती हूँ माशाल्लाह क्यों नहीं पहनेंगी आपको देखकर ही लगता है अल्लाह मियाँ का दिया सब कुछ है आपके पास एक गिलास पानी पी सकते हैं अभिनय के अलावा कौन कना सेन शर्मा ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है 2017 में उन्होंने बतौर निर्देशक और लेखक अपनी पहली फीचर फिल्म अ डेथ इन द गंज का निर्देशन किया जिसे काफी सराहा गया मे बी इफ वी बेंड द नीज एंड बॉडी इन पोजिशन बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू को बताइए ये सवाल मैं उन सभी लोगों से पूछता हूं जिनका परिवार यानी जिनके परिवार में फिल्म का कुछ काम होता है चूँकि आपकी माँ खुद एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक निर्माता रही हैं हैं तो आ, ऐसे एक घर में पैदा होने आ, के बाद ये भी तो चुनाव होता है किसी बच्चे का कि वो फ़िल्म की दुनिया में ना जाए आपका क्या एक्सपीरियंस है मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था फिल्म की दुनिया में आने के लिए और अ, मेरी ब, बड़ी बहन है तो इन आ फैमिली वी कॉल है बिकॉज शी इज़ नथिंग टू डू विद फिल्सर शी एक्चुअली शी इज़ नथिंग टू डू विद फिल्म ऐसा कुछ नहीं था कि हमें फिल्म में ही आना है हमें इसी लाइन पर काम करना है ऐसा कुछ मतलब कंपल्शन तो नहीं थी लेकिन बचपन से इस वर्ल्ड से मैं बहुत फमिलियर रही हूँ माई ग्रैंड फादर चिदानंद दास गुप्ता वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कैलकाटा फिल्म सोसाइटी अलॉग विद सत्यजीत थ्री एंड वो लोग बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखते थे सिर्फ सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं इंडियन सिनेमा भी आई थिंक बट ऑल्सो अलाट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं देखते थे तो ऐसा मतलब माहौल था घर uh, uh, पर कि लिबरल आर्ट्स एंड आर्ट्स के ऊपर आई थिंक काफ़ी स्ट्रेस थाइंड आई थिंक वर इंग रीडिंग और म्यूजिक

मैं एक्ट्रेस हूँ या निर्देशक हूँ या कुछ भी अकाउंटेंट हूँ आई थिंक पर्सनैलिटी तो वैसा बन गया ना माइंड सेट वो सब तो थाट पैटर्न्स, ओपिनियंस, वैल्यूज़ ये सब तो बन जाता है फिर उसके बाद आप जो भी काम करो वैसे ही करेंगे आ, ये मुझे लगता है और कोई कंपल्शन तो नहीं था लेकिन क्योंकि ये आ, दुनिया बहुत फमिलियर थी तो एक ईज़ थी बचपन से मैं सेट पे जाती थी Uh, My ma, Aparna um, Sen, she used to act in films, direct films. She was the editor of a women's magazine for a many years, very successful women's magazine called Shananda for many years. So often after school, I would go to her office where she was the editor of that magazine. So I have seen her in many different uh, avatars, um, and I think it's a great learning actually, which you don't realize, but it's a great learning just from observing and being comfortable with these kind of environments. आई थिंक यू कैन लर्न अ लॉट मैं तो बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ बिकॉज मतलब अच्छा वी नीड अ लिटल गर्ल और वी नीड अ लिटल बॉय मेरा तो चार साल उम्र में आई थिंक आई डिड माई डेब्यू एंड माई मदर्स फिल्म इंदिरा बंगाली फिल्म कॉल इंदिरा एंड आई वॉज फोर ईयर्स ओल्ड एंड दे नीड अ लिटिल बॉय दे कु फाइंड द लिटिल बॉय तो दे कट माई है एंड दे पुट मी इन द फिल्म तो ऐसा मतलब इट्स नॉट लाइक दे वॉन्ट टू एक्ट समथिंग बट आउट ऑफ कन्वीनियंस ना तीन चार फिल्म मैंने की है बचपन में लेकिन मुझे कभी एक्टिंग नहीं करना था करनी थी <laughs> तो जैसा कि आपने कहा कि खुद आपकी माँ कई तरह के काम और घर में भी बिल्कुल ऐसा माहौल के जैसे लिबरल आर्ट्स के लिए एक बहुत कॉन्ड्यूसिव माहौल था जब आपने होश संभालने के बाद सब कुछ करना शुरू किया तब तब तो आपके पास चॉइस थी कि तब आपने क्या नहीं करना है इस बारे में क्या सोचा एक्चुअली uh, तभी भी और अभी भी मैं मतलब माइंड uh, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशस टाइप का नहीं है कि मुझे ये ये करना है इतना पैसा कमाना है ये 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 अचीव करना है ऐसा तो है ही नहीं आई um, थिंक वो मेरा माइंड ही है जो भी मतलब करियर पाथ मैं चूज़ करती वही माइंड शायद वैसा ही है um, लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक स्क्रिप्ट आई मेरे पास बंगॉली फिल्म के लिए शुभ्रत सेन की फिल्म एक्ट जे कोन्ना तो दिस वॉज बेस्ड ऑन हॉलीवुड फिल्म एंड इट वॉज लिटल डिफरेंट लाइक डार्क नेगेटिव काइंड ऑफ रोल यू नो तो आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल बट आई जस्ट थाट यू नो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए मतलब ऐसा ही था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कर लो कर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड uh, अच्छा लगेगा तो देख लेंगे ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है लेकिन uh, ट्राई कर लो यू शुड बी ओपन माइंडेड एंड बहुत लोग बोल रहे थे एंड इट वाज अ डार्क नेगेटिव काइंड ऑफ अ रोल और मैं कॉलेज में भी थिएटर कर रही थी थिएटर के बारे में पढ़ रही थी थिएटर ऑफ द अपसर्ड के ऊपर सेमिनार हम लोग लिख रहे थे तो एकदम मतलब अलग दो, दो दुनिया थे तो लेकिन मुझे लगा कि ठीक है क्या है ट्राई करते हैं मतलब नॉट विद ग्रेट कन्विक्शन

और आई थिंक आई वॉज नॉट ऑल्सो कम्फर्टेबल विथ माई बॉडी नॉट कम्फर्टेबल विथ एक्टिंग नॉट कम्फर्टेबल आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल ऑल्सो बिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड नॉट सो कम्फर्टेबल बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सो आई डि नॉट इन्जॉय इट एट ऑल आई टू क्राई रेगुलरली तो मैंने तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये करूँ करूँगी ये करने वाली हूँ आगे जाके तो ठीक है हो गया हो गया मैं तो कॉलेज जा रही हूँ मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ और फिल्म रिलीज़ हो या ना हो मुझे कुछ मतलब इट वज मेड नो डिफरेंस टू मी Though the people were very nice, actually. Mm -hmm. The cinematographer, Shisho Ray, uh, it, it was his first film. Mm -hmm. And then he was the cinematographer in my first film, Death in the Ganges, that I directed. Subrata Sen also was a wonderful man, and he made me, the director, very comfortable. And we had lots of lovely conversations. It is more my own problem in my own head. Then uh, I went back to college and I forgot all about it, but then it released and it did very well. इट इज वेरी वेल एंड पीपल यू लाइक यूर अलॉट एंड एवरी से बचपन से पीपल कीप टेलिंग मी यू मास्ट एक्ट यू मास्ट एक्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे बार बार कहे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे पसंद ही नहीं था तो देर वॉज ऑलवेज वन रेजिस्टेंस एंड देन दिस फिल्म डिट वेल एट सम अवार्ड सम रीजनल अवार्ड एंड ऑल बट मुझे लगा नहीं नहीं ये तो हो गया ठीक है अब ये वॉट एवर हो गया है अब मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस आई डिट माई थर्ड ईयर आई एनरोल्ड इन माई एम ए टू डू देन रितु पॉन नो घोष Who was such a good family friend and like my mama, I used to call him Dithu Mama. He had been saying for a long time, actually, you have to do this film, you have to do this film. So I am like, yeah, okay. And then she said, no, now you're becoming too old. You have to do this film now before you become too old. So <laughs> I did Titli with him and I said, take you know, Dithu Parnagoshi's sensibilities were different and, you know, this was not really a very commercial kind of a film. My mother was playing my mother in the film. So um, I was. Um, I enjoyed myself. We went to a hill station. My mother was there. You know, my family had come. I knew everybody. It was very comfortable. I enjoyed myself. I did it, then I went back to pursue my MA. Then Jitu again told me to do another film. I said, no, no. Now I'm doing my MA, and now I can't do any more films. At which time I was, I think, uh, in Calcutta, uh, and my mother was writing during my holidays. My mother was writing Mr. and Mrs. Ayer. So she would read it aloud to me, and then she was like, You know, you have to do Mrs. Ayer. I was like, Don't be silly, you must take a South Indian person. Why will I be Mrs. Ayer? Yeah. So uh, then uh, she said, No, no, but she's very smart, my mother. And then she said, No, you have to do some research for me, so you go to Madras. Yeah. So I went with my questions. So that I was excited about. I went with my questions, and we had some family friends. I spent some time there. I had lots of fun doing. Uh, that finding out the difference between the Ayers and the Ayangars and the Sh Shaivites and the Vaishnavites and what they wear and how they do and what will they name their children and who are the mummies who sit in the temples. And I went there and I enjoyed that so much that I became completely immersed and steeped in the culture. And then we did some workshops and then I did the film. And then I won the national award and then there was no look. Then I had a lot of offers. I was busy. <laughs> <laughs> जो जो चाइल्डहुड का ज़माना है उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथों से छूटती जाती हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए कुछ एक शिकायत की वजह बन जाती हैं कि अपने मन का कुछ ऐसा करना चाहती थी आपकी प्रायरिटीज़ कुछ और थी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप तो उस का क्या करियर uh, वाइज आप बोल रहे हैं थोड़ा करियर uh, वाइज uh, भी और ऐसी चीज़ें जो आपको Uh, आपके अंदर स्पार्क पैदा करती हैं आपके अंदर एक नेचुरल uh, एक बेंट उसको लेकर के चीज़ों को होता uh, है। करियर दोनों में बताती हूँ करियर वाइज अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे करना था दिस इज ट्रू दिस इज द प्रॉब्लम आई अ अ बिट ऑफ ड्रिफ्ट आई थिंक आई स्टिल एम आई थिंक इज पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी मैं सोची थी कि मतलब काम तो मुझे करना है ये मुझे पता ही था बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अ वर्किंग वुमन एंड अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एंड क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग

तो आई हैड टू कम अप विद एन आंसर बिकॉज आई एक्चुअली डिट एन आंसर सो आई हैड थाट दैट ईदर आई वुड डू समथिंग लाइक एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म जर्नलिज्मिकॉट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई वुड मैनेज और आई वुड गेट अ जॉब यू नो इन समथिंग लाइक दैट तो आई है जॉब लाइक दैट यू नो एंड वर्क सम वे मै लेकेशन ग्रुप कुम एन हैंडी बट जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी बचपन में वो शायद मुझे अभी भी अच्छी लगती है और वो मैं अभी भी परस्यू करती हूँ एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट इज कम्स जस्ट फ्रॉम जस्ट आर्ट्स एंड कल्चर ऑनेस्टली एंड रिलेशनशिप्स तो अ लॉट ऑफ दैट कम्स फ्रॉम यू नो स्टिम्यूलेटिंग योर ओन माइंड फ्रॉम फिल्म फ्राम टी वी शोज फ्रॉम कॉन्वर्सेश फ्रॉम थिएटर फ्रॉम म्यूज़िक so I think these are the things which really uh, affected me deeply growing up they still affect me deeply and this is something I have an independent relationship i am not it doesn't depend on anything else except for me and <coughs> और जहाँ तक बात ये होती है कि चूंकि एक profession है आपके पास acting आपका एक primary profession है इसके अलावा filmmaking और चूंकि आप फिल्मों के दुनिया में हैं और परिवार के ही अगर हवाले से कहें तो भी उसी काम में लगी हुई है बिल वगैरह जमा करने के लिए पैस, जो पैसा पैदा किया जाता है उसके अलावा वो कौन सी चीज़ है जो इसमें ही आपको रखती है फिल्मों में ही आप बनी रहना चाहती हैं आफ्टर अ फ्यू यस मिस्टर मिसेज आयर के बाद ना मेंिकेम वेरी बिजी देन यू नो मधुर भंडारकर ऑफर मी पेज थ्री जस्ट मी चांदनी बार विच आई सो इमीडिएटली आई देन Shonali Bose offered me So, you know, I got involved in a few projects which I kind of liked. But I was not comfortable with acting. Uh, I think about five, six years down the line, I I think it consciously and unconsciously I became part of it I was aware of, part of it I was not self aware. I became more comfortable with my profession. Where I was able to detach. I think that detachment really helped ki I don't like this how this is being done, or I this is not convincing, but it is my job. To do it as well as I can. It's a great discipline, uh, you know. Um, and uh, just even just the discipline of working regularly and every day. I think there was something in it. Maybe because I was used to that, I was familiar with that. I had known it growing up. I enjoyed that. I enjoyed that, and I became more and more comfortable with it. I was busy. I got offers, and I think in the second half of my career, I'm speaking of course as though it's ended. In the second half of my career, I. और जितनी भी एक्टिंग आपने की उसमें आपकी अपनी एक्टिंग स्टाइल या अपने तरीके का आम, क्या अप्रोच है उसमें क्योंकि जैसे मुझे शबाना आजमी कहती हैं कि वो इमोशंस के अगेंस्ट प्ले करती हैं उसके उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनको Uh, रोने का एक वो दिखाना है भाव उसी वक्त वो उससे पीछे जाकर उस रोने में अगर रो ही दिया तो फिर क्या ख़ास किया जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं इस बात को प्लेइंग अगेंस्ट द इमोशन आप कैसे अपने तरीक़े को बताती हैं हाउ इंटरेस्टिंग मेरा तो कोई तरीका ही है ही नहीं दैट आई एम अवेयर ऑफ एंड शबाना हसेल्फ एंड इवन माई मदर दे वॉलवेज टोल्ड मी एंड आई गेस नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स टू अर्ली आई नाव थॉट अबाउट इट्स आई डेंट नो मैं ज़्यादा सोच के एक्चुअली नहीं करती हूँ प्लान नहीं करती हूँ कुछ भी मतलब लाइफ का प्लान्स भी नहीं बनाई हैं कभी और करियर का प्लान नहीं बनाई हैं क्या सीन करेंगे कैसे करेंगे वैसा भी कभी प्लान नहीं किया है विच इज़ अ बिटर रिस्क सम्स इट वर्क इट डजेंट बट सो आई एम लार्जली आई थिंक गो ऑन माई इंटुएशन द थिंग इज़ टू ट्राई बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल एटलीस्ट विथ मी वॉट आई डू इज़ बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि हम हमारे अंदर सब कुछ है मतलब सब एक्चुअली है हमारे अंदर फ्रॉम अ मर्डर टू अ नन सब है यू नो एंड अलग अलग सिचुएशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ना अलग अलग चीज़ निकलते हैं एंड कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल सोफिसिकेशन इट डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस एंड योर अबिलिटीज़ ऑल्सो बट सब कुछ है अंदर आई फील एंड बेसिकली द थिंग इज आई थिंक वेन यर डूइंग समथिंग ऑन स्क्रीन और इन एनी वर्क आउट इट्स की टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग ऑफ ओ आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस सो दैट पीपल हु आर वॉचिंग और एंगेजिंग कैन फील लाइक ओ आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस सो इन अ वे जस्ट टू ट्राई एंड बी एज ट्रूथफुल टू दैट एक्सपीरियंस आई थिंक दैट इज हाउ आई हैव ऑलवेज अप्रोच इट टू कि अगर ये है कि मैं अपने हस्बैंड को मार रही हूँ या किसी को मतलब हर्ट कर रही करी फॉर एग्जांपल विच इज़ नॉट फिजिकली आई मीन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइव्स यू नो देन देर इज़ समथिंग इन अस यू नो दैट दैट वैन यू कैन गेट सो एंग्री देन वी कंट्रोल आर सेल्व मे बी बट यू नो टू लेट दैट गो आई फील लाइक यू नो इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस एंड इफ यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन इमोशंस एंड टू अदर पीपल जनरली इन लाइफ नॉट जस्ट फॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्टिंग the whole of your life if you can be compassionate towards other people and understand what they are going through i think that will really that enriches your own mind and you know makes you aware of all the different kinds of emotions that may be there aur jo filme aap dekhti hain chahe wo hindustan mein ya phir duniya bhar ki filme unme jab एक्टर uh, लोगों को काम करते हुए देखती हैं तो वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आपके लिए एक चुनौती की तरह एक आपके लिए एक यार्डस्टिक हैं या या कि ये आप कहती अरे ऐसा मैं भी एक दिन कर कर दिखाऊंगी नहीं इनका भी कोई नहीं रहा I think, I don't know ऐसा आई थिंक आई not वन पर्सन यू नो आई थिंक वी शुड नॉट life Uh, different performances at different times, different works of arts and art at different times have inspired me. I have also been always inspired by uh, people, human beings, and women who have gone against the grain, who have taken, uh, who have made choices which are unconventional and, uh, and, and different from mainstream, conventional choices. I admire that very much. The ability to think outside the herd, the ability to question norms and dictats and traditions. Some of which are make sense and good are good, and some of which don't make sense. एंड एवरीबडीडर तो ऐसा कोई नहीं है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म आई फील कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए ऐसा फॉर्म वन पर्सन कभी नहीं लगा मुझे और uh, जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं ख़ास तौर पर अगर एक्ट्रेस uh, uh, मतलब अभिनेत्रियों की बात करें जो आपके कई बार सेट पर भी साथ में होते हैं कई बार uh, एक पियर ग्रुप जैसी जो चीज़ होती है uh, उसमें Uh, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको क्या uh, उनकी ज़िंदगी उनके काम करने के अप्रोच में क्या आपको कोई शिकायतें uh, आप क्या दिखाई देती हैं कि uh, इसको अगर ऐसा ना करके वो ऐसा करती हैं तो ज़्यादा ठीक ढंग से कर पाँच नैनो माई बिजनेस मुझे तो लगता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे मतलब आई फील इज इरेलीवेंट टू माई लाइफ बिकॉज वॉट आर द पीपल आर डूइंग नॉट डूइंग थिंकिंग नॉट थिंकिंग वॉट कैन यू डू

फिर तो वो पहले से सब प्लानिंग करके वहाँ पे जाके क्या उसमें नहीं होगा शायद शायद नहीं बट इट्स नाइस टू बी ओपन माइंडेड एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स आल्सो दैट्स आल्सो ट्रू बट आई डोंट बॉदर टू मच अबाउट इवन लाइक माय मदर विल व्हेन आई एम इन द समिडल ऑफ अ प्रोजेक्ट शी हैज आस्क्ड मी इन द पास्ट वॉट यू थिंक द डिरेक्टर्स लाइक हाउ इज द कैमरा वर्क और व्हाट इज द को एक्टर लाइक एंड मोस्टली आई हैव टू से आई डोंट नो मोस्टली माय आंसर इज आई डोंट नो Because I have to see. Firstly, though, in the edit, the whole film is, I feel, put together on the editing, and now, though, I feel that even more after having made a film. But uh, because you know, performances which you are just like, oh my god, how will I save this scene? And then you know, you put the good shots together, you cut something out, you put some music, you cut away, and it's a great performance. So um, I feel as we should not really be bothered about what other people are doing or not doing, whether on life or whether on set. आपकी दोस्त लारा ने हमसे बताया कि आपको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है जाहिर है कि जिस तरह का आपका आपकी पृष्ठभूमि है आपका बैकग्राउंड है उससे भी आपको मिला होगा लेकिन कुछ आपने ख़ुद भी अपने पढ़ने की चीज़ों को आपने ख़ुद डिसाइड किया होगा और एक ख़ास तरह की पढ़ाई आप कर रही हैं क्या पढ़ रही हैं आजकल आप अभी तो मैं पढ़ी हूँ दो किताब एक आ, लीला नायडू की लाइफ के ऊपर जो जेरी पिंटो और लीला नायडू ने एक साथ लिखा है आ, वो मैं पढ़ रही हूँ और आ, दूसरी किताब मैं पढ़ रही हूँ एलन और ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन ये किताब की बहुत अच्छी रिव्यूज़ मैंने पढ़ा है तो अभी अभी शुरू किया है ऑर्डर किया था अमेजोन पे आ गया है इट्स ग्रेट एंड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक तो इन पढ़ाईयों के बीच से आपको किन चीज़ों की तलाश है आप क्या ढूंढ रही हैं पढ़ाई के बीच से क्या आप निकालना चाह रहे हैं कितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि oh, ऐसे नहीं पूछते हैं लोग <laughs> छोड़िए है ना आ, लेकिन ये है कि पहले से आप कैसे तय कर सकते हो कि मुझे ये ये पाना है डिक्शनरी के साथ ऐसा होता है लेकिन डिक्शनरी मैं नहीं पढ़ती हूँ डिक्शनरी फॉर प्लेजर यू नो बट Uh, मुझे ये नहीं कि मुझे ये 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 ढूंढना है फिर फिर तो सब फिक्स हो गया मुझे ये किताब पढ़ के जाना है कहीं पे जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ है ना तो देर इज ऑलवेज द होप कि कुछ ऐसा किताब आए जो बहुत ऐसा बहुत सारा ऐसा किताब एक्चुअली है mm -hmm. uh, जहाँ पे ये जर्नी हम जिसपे हम गए हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट तो ऐसा नहीं है कि आई मस्ट But, but I have achieved many nice things from many books. And it takes, you know, the most, the best part about reading I find is that it takes you out of your own head, which is very healthy, I feel. To be out of your own headspace and out of your own problems, uh, because everybody has problems, you know, is very nice to just inhabit another world. Uh, this is what I've realized now, late in life, is that uh, there's no time for mediocrity. So I want to only read, watch, uh, listen to things which are spectacular. So I'll do my research before uh, reading or listening to something or committing to a TV show. You know, I won't just watch "Acha, this is looking nice. I don't do that. So I'll research online, I'll check the reviews. Only if it is consistently above ninety percent, many people have said, then I'll watch it because then you know that you know that it's a good piece of work. It doesn't matter what the genre is. Right now, recently I started rewatching, uh, not re-watching, I started watching a show called The Wire which is set in baltimore and it's about the police and the largely african-american uh, community who are very poor who are into uh, dealing drugs it's very removed from my world you know but it's uh, but it's so well done it's so well executed that it doesn't matter actually what the subject is about because what comes out is humanity and complexities <laughs> का एस्थेटिक्स खास तौर पर अगर आप चिदानंद दास गुप्ता से लेकर के अपनी माँ और अपने काम और जिस दुनिया को आपने चुना है उसके बीच जो एस्थेटिक्स के एक्सपेक्टेशंस थे और दुनिया जैसी बनती जा रही है आज आ, दोनों के बीच जब आप कोई कंपैरिजन करती हैं तो क्या पाती हैं कि हम किधर जा रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर इंटेंजिबल आर्ट को अप्रिशिएट कर पाने के रास्ते में कुछ रोड़े हो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या सोचती हैं हम कहाँ जा कर रहे हैं अपेरेंटली वी लिव इन वन ऑफ द लीस्ट वायलेंट टाइम्स इन ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री स्टिटिस्टिकली दिस इज द लीस्ट वायलेंट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री सो समटाइम्स वेन एवरी थिंग इज लुकिंग ब्लीक आई लाइक टू रिमाइंड सेल्फ ऑफ दैट ऑल्सो आई थिंक माई नेचर आई एम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक i'm not really um, very oriented like that towards society because um, other than trying to live a life that is i mean it's you know some things are important to me like having a basic civ civic sense or a sense of responsibility and functioning harmoniously in society all of that those are very important values but uh, uh, I think that uh, my, uh, my path has always been more individualistic, and it's really my responsibility, I think, to myself is to try and lead a good and interesting life. Um, there are times when it, you know you feel hopeless and discouraged, and then I remind myself of this, also, um, and also I found that you know, there's not so it's, it's important not to derive uh, comfort from the herd.

कि वो अपने बच्चों को पालते हुए कैसे उनके साथ वक्त गुजारते हैं आपके पास भी आपका एक छोटा बच्चा हारून है जिसके साथ आपको उसको नर्चर करने उसके साथ वक्त गुजारने आ, तो इतने सब कामों के बीच में आप हारून के साथ आ, कैसे टाइम और मैनेजमेंट करती हैं इट्स नॉट लाइक कि वो हो गया है यू नो आई थिंक एवरी टू बिकॉज इट्स चेंजिंग बिकॉज Every few days, things are changing, you know, and the way you relate to somebody—it's changed. That itself is changing. It's that is a very wonderful experience, and so much you have to learn about yourself. That oh, these—and I have lived a very, like I said, intuitive life. <laughs> I think, so I have had to articulate to myself and then water it down for my child that these these things are important to me. So it's made me prioritize. These other things are not important to me because that is what I want to convey, and how to convey that, and to then take joy in um, doing those things together. And then you have to become aware of many things, you know. Like I feel like I mean I feel in many ways I've become a better person. Um, like for example, a very small practical example is that when I'm, because I am not a stay-at-home mother all the time, I'm also a working mother. Of course, my work is erratic, so. You know, it's freelance work, so there are times when I'm more at home. There are times where I'm a little more busy, and he always comes with me to set, and often with me with his father both. Um, but uh, things like when I am spending time with him, then I try not to be on the phone. You know, because I found that screens, uh, you know, this is just a message has come. You don't have to reply immediately. You know, so in these kind of ways, uh, you know, your priorities become very clear, and they have to become crystal clear. You have to know it very well because you have to distill it down to somebody who can.

कोकना सेन शर्मा प्रोग्राम गुफ्तु के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर फीडबैक डॉट आर एस टी वी एट जी मेल डॉट कॉम पर और हमारे पास इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया आपके लिए